क्या आतंक का इससे ज्यादा घिनौना चेहरा हो सकता है? ये मासूम बच्ची अपनी गुड़िया को हाथों में लेकर फ्रांस का नेशनल डे मनाने आई थी, लेकिन ये भी उन 84 लोगों में शामिल हो गई जो फ्रांस के नीस शहर में आतंकी बलि चढ़ गए। जरा बेरहमी का अंदाजा लगाइए। ट्रक चला रहा आतंकी सड़क पर 2 किलोमीटर तक लोगों को रौंदता रहा और मासूम लोग तड़प तड़प कर मरते रहे। खबर है कि ये आतंकी ISIS का समर्थक था। पिछले 8 महीने में ये फ्रांस में दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। Pour venir soulager les effectifs de policiers et de gendarmes. J'ai décidé que l'état d'urgence qui devait prendre feu. लेकिन सवाल सिर्फ एक देश का नहीं है, क्योंकि कभी फ्रांस, कभी ढाका, कभी इस्तांबुल, कभी पठानकोट, कभी कश्मीर, तो कभी बगदाद, दुनिया भर में आतंकी हमले थम नहीं रहे। ऐसे में बड़ा सवाल उन देशों पर है जो आतंकी फैक्ट्री चला रहे हैं। कहीं ISIS का बोलबाला है तो कहीं आतंकियों को पनाह दी जा रही है। अब आतंकी बुरहान वानी का ही उदाहरण ले लीजिए। 22 साल का बुरहान हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था, जो 8 जुलाई को कश्मीर में हुए एनकाउंटर में मार दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए कि वो बुरहान को शहीद बताने में जुटा हुआ है। पहले पाकिस्तान के PM ने इस एनकाउंटर पर दुख जताया और अब एनकाउंटर के विरोध में 19 जुलाई को पाकिस्तान में ब्लैक डे बनाने की तैयारी हो रही है। इतना ही नहीं, 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद और मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों को पाकिस्तान पनाह भी देता है। पीएम मोदी ने UN में अपने भाषण में ये कहा था कि आतंक के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है। तो क्या उन मुल्कों के खिलाफ साझा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो आतंकियों को पनाह देते हैं, ताकि दुनिया को आतंक के दर्द से मुक्त किया जाए? इसी मुद्दे पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। क्या फ्रांस में हुआ हमला केवल एक मुल्क पर हुआ आतंकी हमला है? क्या अभी भी दुनिया के ताकतवर मुल्कों को अपने अपने हिसाब से टेररिज्म की परिभाषा तय करनी चाहिए? हमला चाहे बांग्लादेश में हो, फ्रांस में हो, भारत में हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, उसका शिकार उस देश के निर्दोष लोगों को होना पड़ता है। और शायद इसीलिए वक्त आ गया है कि जब दुनिया भर को गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म से आगे बढ़कर इसका खात्मा करना होगा, वरना हालात और भी बदतर हो सकते हैं। लेकिन क्या यह संभव है? आज यही है हमारी इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट, वर्ल्ड वाइड टेरर। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए JK त्रिपाठी हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। मेरे साथ आर.के. मल्होत्रा हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला हैं, BJP से अपना पक्ष रखेंगे। और कमर आका है, जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और कांग्रेस के लीडर भी इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में जुड़ेंगे। लेकिन आइए आपको जल्दी से कुछ दिखाते हैं कि आतंकी फैक्ट्री पर लगाम कब लगेगी। कुछ घटनाएं आपको बताते हैं ताकि आप समझेंगे कि कितनी गंभीर स्थिति आ चुकी है। ISIS और पाक समर्थक आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन चुका है। ISIS का दुनिया के कई देशों में कहर है। यूरोप और एशिया के कई देशों पर हमला कर चुका है ISIS। फ्रांस में जो हमला हुआ, अभी उसके बारे में पुख्ता खबर नहीं है, लेकिन ये संभावना जताई जा रही कि इसके पीछे भी ISIS का हाथ हो सकता है। कश्मीर में लगातार आतंक को बढ़ावा दे रही है ISI, जो कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी है। भारत में कई आतंकी हमलों के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। आतंकी आकाओं को पनाह देता है पाकिस्तान। बुरहान वानी के मामले में भी हमने देखा कि किस तरह से बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद पाकिस्तान बौखला गया। हमने देखा कि पाकिस्तान ने कैसे बुरहान वानी को शहीद बताया। एनकाउंटर के विरोध में 19 जुलाई को पाकिस्तान में ब्लैक डे मनाया जाएगा। बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था और उसने खुद अपनी पिक्स हथियारों के साथ और पोस्ट कर रखी थी सोशल मीडिया पर। 8 जुलाई को एनकाउंटर में बुरहान वानी मारा गया था। तो चाहे फ्रांस हो, चाहे बांग्लादेश हो और चाहे भारत हो, हर देश आतंकवाद से पीड़ित अगर है तो उसके बाद
क्या अब वक्त आ गया है कि इस आतंकवाद का खात्मा सही तरीके से किया जाए? तमाम एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं और मैं कमर आगा साहब आपकी बात से इस डिबेट को शुरू करूंगा। कमर आगा साहब, फ्रांस में एक बार फिर 84 लोगों ने अपनी जान खो दी है और इस आतंकवाद नाम के शैतान ने उनकी जान एक बार फिर ले ली है। सवाल यह है सर कि क्या ऐसे निर्दोष लोग मरते रहेंगे या वाकई इस वर्ल्ड वाइड टेरर से निपटने का कोई तरीका है? देखिए, केवल एक ही तरीका है, मैं समझता हूँ कि एक तो ग्लोबल लेवल पे इस पर इसको ना पड़ेगा, एक ऑलरेडी वहाँ पे इंटरनेशनल कोलिशन है, फिर हमें अपने क्षेत्रीय कोलिशन भी बनाने पड़ेंगे और मुल्क के अंदर भी हमको अपना इनसे निपटने की क्षमता और बढ़ानी पड़ेगी। जहाँ तक इंटरनेशनल कोलिशन का सवाल है, वो अभी तक बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ है। इराक और लीबिया में हमने देखा जो हालात हैं वो अच्छे नहीं, अफगानिस्तान में भी वो कंटेन नहीं कर पाए हैं, और अभी तक जो भारत सरकार की डिमांड है कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिसमें तय किया जाए पर कम से कम आतंकवाद की परिभाषा तय की जाए, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अभी तक कॉन्टिनेंटल यूरोप यानी फ्रांस, जर्मनी या ब्रसेल्स और दूसरी जगहों पे ठिकानों पे टारगेट नहीं बने थे, अब लगातार ये मुल्क भी उनके निशाने पे आ गए हैं। मैं समझता हूँ कि यूरोप से, यूरोपियन यूनियन से फौरन बातचीत करनी चाहिए, ठीक है, और यूरोप के साथ मिलके एक प्लान। तो वही बात आ गई कि जब तक आप गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की अपने हिसाब से डेफिनेशन करते रहे थे, जब तक आप बचे हुए थे तब तक तो आप उसकी डेफिनेशन अपने हिसाब से कर रहे थे, लेकिन आज जब आप उसके घेरे में आ रहे हैं तब कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है कि अब इसके बारे में गुड और बैड को हटाकर एक सच्ची और सीधी परिभाषा इसकी तय की जाए और उसके बाद उसके खिलाफ सब मिलकर काम भी करें। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और विवेक बंसल भी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं और प्रेम शुक्ला, अब मैं आपके पास आऊंगा। और प्रेम शुक्ला, भारत भी आतंकवाद से अछूता नहीं है, टॉप 10 विक्टिम कंट्रीज ऑफ टेररिज्म में भारत भी आता है इस पूरी दुनिया में। और जब भारत की बात आती है तो बात आती है पाकिस्तान की, किस तरह से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद हमारे देश में लंबे समय से चला आ रहा है और इस देश ने भी अपने कई निर्दोष लोगों को उसकी वजह से खोया है। सवाल यह है कि बुरहान वानी का मामला भी हमने देखा प्रेम शुक्ला, और बुरहान वानी के मामले में हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने खुलकर बुरहान वानी को एक शहीद बताने की कोशिश की और अपने देश में तो उन्होंने एक ब्लैक डे रखने की भी कोशिश की है। वो टॉप मोस्ट आतंकवादी जिसको अमेरिका ने $1 करोड़ का जिसके नाम पर इनाम रख रखा है, जो भारत का मोस्ट वांटेड है, वो बुरहान वानी के लिए वहां पर आंसू बहा रहा है। क्या आपको लगता नहीं कि एक सुनहरा मौका था जो भारत ने खो दिया पाकिस्तान के चेहरे को सबके सामने लाने का कि देखिए कैसे आतंकवादियों को बैक करते हैं ये, कैसे आतंकवादियों को शहीद बताते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर उसमें कोई सुनहरा मौका खोया नहीं है। पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को पोषित करता रहा है, प्रश्रय देता रहा है, इस पर भारत 1990 के दशक से बात करता रहा है। 90 के दशक में यूनाइटेड नेशंस ने बाकायदा भारत ने यह प्रयास भी किया था कि पाकिस्तान को एक आतंकवाद का को पोषित करने वाले देश के रूप में जो है उसको उस पर सैंक्शंस भी लगाए जाए, लेकिन उसको तब जो है यूरोप और अमेरिका के लोगों के लिए समस्या नहीं थी। आज यूरोप और अमेरिका के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि आतंकवाद दुनिया का सबसे बड़ा, और उसमें भी जो सलाफी आतंकवाद है ये दुनिया का सबसे बड़ा संकट है। ऐसे में पाकिस्तान जो है वो गुड आतंकवाद और बैड आतंकवाद जिस तरह से पाल रहा है पूरी दुनिया को जो है इस पर सर, उस पे भी तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना। जाकिर नाइक जैसे लोग से विचार शुरू होता है, टेरर टीचर हैं उन लोग, वो भी आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं और आप उन पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जी नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज तक जो है जाकिर नाइक जो है वो शांति दूत, कुछ राजनीतिक दलों के लिए, कुछ चंद वोटों के लिए वो शांति दूत थे, लेकिन इन शांति दूतों ने किस तरह से मौत के दूत पैदा किए हैं ये आप फ्रांस में देख सकते हैं, बांग्लादेश में देख सकते हैं, अमेरिका में देख सकते हैं, भारत में देख सकते हैं। तो जो लोग जो हैं इस तरह के आतंकवादियों को वैचारिक खुराक देते हैं उन पर हमको राजनीतिक दलों की आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, अपनी जो वैचारिक बड़ा आरोप लगा रहे हैं त्याग कर। नहीं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं किसी को भी, सिर्फ जो है छोटे से अपने स्वार्थ के लिए मानवता के खिलाफ जो लोग इस तरह के मौत के मसीहा खड़ा कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमको राजनीतिक दलों की जो है वन अपमैनशिप से बचना चाहिए
और जो आतंकी है वो चलिए इस पर राज लेते हैं क्योंकि एक और बड़े राजनीतिक दल के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि हमारे साथ इस पैनल में है, विवेक बंसल हमारे साथ इस पैनल में है। विवेक, जो बात प्रेम शुक्ला जी कह रहे, विवेक जी, वो आप कितना सहमत हैं उस बात से और कहीं ना कहीं उन्होंने आपको कटघरे में खड़ा किया है? देखिए, जहां तक इन्होंने बात इसे निष्पक्षता के से करने की कोशिश की वहां तक मैं सहमत था, और जहां इन्होंने राजनीतिकरण करने का प्रयास किया वहां मैं इनसे बिल्कुल किसी ही हद तक सहमत नहीं हूं। पहले तो मैं आपके ही प्रश्न पर, जो आपने कहा कि हमने एक मौका गंवा दिया, जिस तरीके से नवाज शरीफ या पाकिस्तान में बुरहान वानी को जिस तरीके से महिमा मंडित किया गया, वो उसको लेके हमें इंटरनेशनल फोरम्स में, मल्टीनेशनल जिस पे इंटरनेशनल फोरम्स में हमें जाना चाहिए था। और आतंकवाद को आज देखिए, पाश्चात जितने भी देश हैं आज सब उससे ग्रसित हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो एक बात से मतलब मैं कहूँगा कि आज पूरा विश्व इसके चपेट में आ गया है। तो एक इंटरनेशनल फोरम पर जैसे गुड टेररिज्म, तो पाकिस्तान को मुख्य रूप से इसमें चिन्हित और आइसोलेट करना चाहिए कि ये इस तरीके से बात नहीं बनेगी। और किसी हद तक अमेरिका ने भी जो रुख अपनाया है, जो आतंकवाद को लेकर जो हाल में और पिछले कई वर्षों से 2012 से जो उनका रुख चल रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको सराहनीय है। और उसके साथ साथ ये भी इस पे देखिए बहुत कड़ा रुख अपनाने, लेकिन आप जब ये कह रहे हैं कि हमने ये मौका खो दिया, तो आपको लगता था कि ये मौका था? देखिए बिल्कुल था, पाकिस्तान को इसमें कटघरे में खड़ा करने का बिल्कुल मौका था। जब आप एक ऐसा खुद आप इस बात को, अमेरिका में वो आतंकवादी के नाम से उस पर इनाम था, भारत में 10 लाख का उस पर इनाम था, तो क्या कारण था कि हमने इस मुद्दे पे अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे इस पे कि खासतौर से पाकिस्तान को हमें कहना चाहिए था, हमें उसको चिन्हित करना चाहिए था प्रेम शुक्ला, कि ये रुख है पाकिस्तान का आज दोहरे चेहरे, आज हम ठीक है गुड टेरर। ये बहुत शर्मनाक है कि जिस कांग्रेस के कार्यकाल में बुरहान वानी को छुट्टे साढ़ की तरह घूमने दिया जा रहा था, सीमा पार से जब गोलियां चलती थी तो हमारे प्रतिरक्षा मंत्री आदरणीय के एंटनी जी नॉन स्टेट एक्टर कहा करते थे, और शर्मल शेख में जाकर जो इस देश को शर्मिंदा कर रहे थे। शर्मल शेख ने क्या कहा था आप जरा बताएंगे? शर्मल शेख ने क्या कहा था? शर्मल शुक्ला जी, पाकिस्तान हिंदुस्तान देखिए, आप यही मोदी जी की सरकार कर रही है, यही उससे बेहतर दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्यकाल में 2004 देखिए, आतंकवाद का इतिहास अगर भारत में देखेंगे तो 2002 में शेष रह गई वो कांग्रेस के कुकर्मों का निष्पत्ति है। कांग्रेस ने जिस तरह से जो है 2004 से लेकर 2014 के बीच में जिस तरह से आतंकवाद के प्रति सॉफ्ट स्टेट वाला रवैया अपनाया, उसके कारण जब पाकिस्तान वेस्ट में फंसा हुआ था उस समय अगर हमने उसको जड़ से उखाड़कर फेंकने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई होती तो मुझे लगता है कश्मीर में आज आतंकवाद जड़ से उखाड़ा जा चुका होता। चलिए विवेक, मतलब आपका एक छोटा सा कमेंट जल्दी से, इससे मैं शुक्ला जी की बात से कितना बात को जो है जिस तरीके से भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आंकड़े खुद बताते हैं भारत में जो आतंकवाद है 2000 और 2002 में चरम सीमा पे, आप आंकड़े उठा के देखिए, और 2012 में क्या जो आंकड़े हैं आप उसको देख लीजिए कि जहां पूरे विश्व में आतंकवादी हमले में 11,500 लोग मारे गए, भारत में 2013 2031 के आंकड़े, 231 और 2000 2002 जब भाजपा का एनडीए की सरकार थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे, तब अपने शिखर पे थे आतंकवाद, तब जो कैजुअलिटी जो लोग आतंकवाद से मारे गए थे, और आप इस तरीके से देखिए फिर आप गलती कर रहे हैं शुक्ला जी, आप इस अमेरिका से इस बीमारी को, इस अभिशाप को आप राजनीतिकरण करने का जो प्रयास कर रहे हैं यही आपकी गलती है। और आतंकवाद को अगर आप इसकी जो परिभाषा है उसको भी जरा व्यापक कीजिए, जो हमें जो देखने को मिलता है जिस तरीके से संविधान का जहां उल्लंघन हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं आतंकवाद है, जिस तरीके से कानून को अपने हाथ में लिया जा रहा है, चाहे वो कोई भी घटना हो, जिस तरीके से राजनीति से परे हटकर हम कहीं ना कहीं सच के साथ ही तो हो सकते हैं, लेकिन राजनीति से परे हटकर बात करनी बिल्कुल सर, लेकिन कांग्रेस का ये जो है झटका हमने झेला है, हमारे दो नेता शहीद हुए हैं, विवेक
बंसल इस देश ने विवेक बंसल हमारी पार्टी हुई है यहाँ के ओके बट इस देश के हजारों निर्दोष लोगों को भी आतंकवाद की वजह से जान गंवानी पड़ी है और वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, वो ना बीजेपी से थे ना कांग्रेस से थे। तो प्लीज प्लीज आप ये मत कहिए कि आप ही आतंकवाद के पीड़ित है, ये पूरा देश पीड़ित है सर। ओके सर, ओके सर, ओके सर।